हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन हो। लेकिन आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख लें, नहीं तो आप यही कहेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को पहले देख लें, इसके पहले का लेक्चर, तब आप इसको देखें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटलिक स्फीयर है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बता दिया, तो मैं डीपली में नहीं जाऊंगा इसमें। मेरे पास एक मेटल का बना हुआ, लाइक एज आयरन समझ लो, लोहे का बना हुआ एक मेटल स्फीयर सॉलिड। और मैंने आपसे कह दिया इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया प्लस क्यू, मान लीजिए इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। और वहीं एक दूसरा मेटलिक स्फीयर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब इसकी साइज और इसकी साइज में मान रहा हूं सेम। और इस पे चार्ज दिया स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं इस पे भी प्लस क्यू, मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक स्फीयर, ये भी पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक स्फीयर। और मैंने आपसे कह दिया कि इसके सेंटर के बीच का जो गैप है डिस्टेंस वो r, कितना है r। अब एक चीज ये बताओ डियर सर, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो कूलाम ने क्या बताया था, इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर सेम चार्ज है, ये भी प्लस, तो इनके बीच ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, बल्कि दूर हटाने का प्रयास करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का फॉर्मूला कूलाम ने दिया था कितना, मैं लिख रहा हूं 1/4πε0 क्यू। ये इस पे कितना चार्ज है वो देखा जाता है, इस पे कितना चार्ज है वो देखा जाता है, और डिस्टेंस दोनों के सेंटर टू सेंटर का बीच का डिस्टेंस r। ये कूलाम ने फार्मूला बताया था ये सर, लेकिन अब इस क्वेश्चन का टर्म थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन का टर्म ये चेंज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, मान लीजिए इस ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर फर्स्ट है, ठीक। कई बार बुकों में देखोगे तो ऐसे बता दिया था, ये जो बॉल है, ये जो बाल है, बता देगा कि यहां किसी स्ट्रिंग से, थ्रेड से, इसको थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है कोई लटकाने वाला चीज है, मतलब उसी से हैंग करा के मेटलिक बॉल है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार यहाँ पे बोल देता है, एनसीईआरटी चेक करोगे, कह देगा हाथ, यहाँ हाथ बना देगा, हैंड बना देगा, कह देगा इस हैंड से हम इसको पकड़े हुआ, और इसका नाम दे देगा, ये जो बना है क्रिकेट में, इसका नाम इंसुलेटर। डियर फ्रेंड, इसलिए ऐसा बोलता है ना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इंसुलेटर से नहीं पकड़ेंगे तो ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जो अभी पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं रह जाएगा इसमें, मतलब अभी जो तुम प्लस क्यू बोलते हो इसकी जगह जीरो बोलोगे अगर तुम हाथ से पकड़ लोगे, ठीक। मतलब अगर इसका कनेक्शन अर्थ से हो जाएगा तो इसे अक्सर ये बुकों में बोल देता है इंसुलेटर से पकड़े हैं। और मैंने इसका रीजन प्रीवियस, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, प्रीवियस लेक्चर चेक कीजिए, उसमें मैंने दो लेक्चर में बताया क्यों इंसुलेटर से पकड़ा जाता है, ठीक, समझ गए ना। फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि अगर इस मेटलिक स्फीयर को, ठीक, जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज, इसको मैं कोई दूसरा एक मेटलिक स्फीयर ला रहा हूं, ये भी आयरन का सेम साइज का, इसे टच करा दिया, लेकिन बट डिफरेंस ये है कि इस पे कोई चार्ज पहले से नहीं था, मतलब इस पे चार्ज जीरो था, ठीक, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू था डियर स्टूडेंट, ठीक। तो मान लीजिए इसका नेम सी था और ऑलरेडी इसका नाम ए एंड बी था। अब आप बताओ मैंने सी को किससे टच कराया, ए से टच कराया ना, सी पे कोई चार्ज था, ए पे चार्ज है प्लस क्यू, दोनों को टच कराया, उसके बाद किया क्या, फिर से दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर से दोनों, ये सी हो गया, ये ए हो गया, तो दोनों पे अब कितना कितना चार्ज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यही तुम्हें जानना है, अब दोनों पे चार्ज इनका और इनका एवरेज, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया है, चेक कर लो, इस पे कितना चार्ज होगा, एवरेज निकालना आता है, क्यू इस पे था, इस पे जीरो, टू दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाय टू, समझ रहे ना। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पे कितना चार्ज होगा, आप सी पे क्यू बाय टू, इस पे भी कितना चार्ज होगा, क्यू बाय टू। ऐसे डियर स्टूडेंट, मैंने बी को भी, ऐसे बी पे भी जो कि प्लस क्यू चार्ज था, इसको किसी अनदर मेटलिक स्फीयर आयरन से ही टच करा दिया जिसका नेम डी, बट इस पे भी चार्ज जीरो था, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, होगा एक जो काम ए के साथ हुआ है वही काम बी के भी साथ होगा, मतलब अब अगर दोनों को अलग अलग करोगे टच कराने के बाद, तो होगा ये कि B
बी पे भी कितना चार्ज हो जाएगा क्यू वाई टू और डी पे भी कितना चार्ज हो जाएगा क्यू वाई टू। समझ गए ना डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे जो सी वाला है और यहां पे जो डी वाला है, नहीं यहां पे जो सी वाला है और यहां पे जो बी वाला, या अगर मैं आपसे कह दूं अब ए पे चार्ज कितना क्यू बाई टू, अब बी पे कितना चार्ज क्यू बाई टू, पहले कितना था पहले क्यू क्यू था, अब कितना चार्ज है क्यू बाई टू, अब कितना चार्ज है बी पे क्यू बाई टू, अब इन दोनों को याद रहे मैं ए पे बोल रहा हूँ क्यू बाई टू है, बी पे बोल रहा हूँ क्यू बाई टू, याद रहे अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट अब इन दोनों मैट्रिक स्क्वायर को जो कि ए इस पे कितना चार्ज था प्लस क्यू बाई टू और ये मैट्रिक स्क्वायर जिस पे कितना चार्ज था बी प्लस क्यू बाई टू, अब इन दोनों के बीच का गैप मैं कर देता हूं आर बाई टू, अब इन दोनों के बीच का मैं गैप कर देता हूं आर बाई टू, मतलब पहले डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर था तो अब 6 नहीं है, अब उसका हाफ मतलब 3 है, अगर पहले आर था तो अब आर बाई टू। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन दोनों के बीच अगर फोर्स पहले इतना था F1, तो अब इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगी प्लस प्लस है तो रिपल्सन तो काम करेगा ही करेगा, तो इन दोनों के बीच अब कितना फोर्स होगा उसको नेम मैंने F2 दे दिया, तो उस आंसर को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं यानी व्हाट रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टू बी, मतलब समझते हो मतलब ए कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी के थ्रू, तो आप बताओ आंसर कितना बोलोगे, ये फार्मूला तो इतना तो ये लगाना है, इस पे कितना चार्ज है डियर स्टूडेंट क्यू बाई टू, इस पे कितना चार्ज है डियर स्टूडेंट क्यू बाई टू, डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट बीच का आर बाई टू इसका स्क्वायर, चलो सॉल्व करते हैं आगे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू कितना होता है क्यू स्क्वायर, 2 × 2 कितना होता है डियर स्टूडेंट 4 होता है। अब बताओ नीचे ये बताओ डियर स्टूडेंट ये जो आर स्क्वायर है इंटू 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पे जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए यहां पे डियर स्टूडेंट जो आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या डियर स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं ये आंसर तो हमारा पहले भी आता था, देख लो इन दोनों के बीच तो वही आंसर सेम टू सेम नहीं है, इसका मतलब F2 का आंसर F1 के क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जब आप टच करा के दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल चेक कर लीजिए क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं डियर स्टूडेंट, आप तब तक के लिए इतना तैयार करें फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तब तक के लिए बाय।